हेलो एवरीवन वेलकम टू आर आइफ क्लासेस दिस इज प्रवीण है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर वन क्लास टेन दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये हमने केमिस्ट्री सेक्शन से चैप्टर लिया है इसमें आप लोग पूरे चैप्टर का कंक्लूजन आपको मिलेगा विद नोट्स चाहे आप लोग अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज़ इसमें नोट्स इस तरीके से बनाए गए हैं बच्चों के लिए ताकि बच्चे यहाँ से अपने बोर्ड के लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर लें और उनके क्वेश्चन जो हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी ईजिली बना सकें और पूरे चैप्टर को ईजीली समझ भी सकें वीडियो में आपके लिए एनिमेटेड वीडियोज़ भी ऐड करी गई हैं ताकि आप पर्टिकुलर प्रोसेस को ईजिली समझ सकें जैसे आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कैसे वहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है उस उस चीज़ों को समझने के लिए हमने बहुत सारे आगे मैंने एनिमेशंस आपके लिए डाले हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहली बार टेंथ क्लास का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि टेंथ क्लास में अभी एंटर हुए हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है बहुत सारे क्वेश्चन और जैसे कि पता है मैं चैनल पर एच टेट के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ तो केमिस्ट्री सेक्शन के लिए मैं बता दूँ नॉन मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रहे हैं इस चैप्टर से मेडिकल में भी क्वेश्चन रहे क्योंकि यहाँ पर केमिकल फॉर्मूले भी कुछ डिस्कस हुए हैं बहुत सारी रिएक्शन और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं बैलेंसिंग वगैरह सब इस चैप्टर में है तो ये हम करने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अगर आप लोग क्लास टेन के स्टूडेंट हैं तो जैसे इसमें आपको नोट्स दिए गए हैं उसको वैसे ही बनाइए अपनी नोटबुक पे वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है दोनों शब्दों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है तो पहले बात कर लेते हैं हम केमिकल रिएक्शन की कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है इट इज अ प्रोसेस इन विच द बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट ब्रेक फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये क्या होते हैं एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो कोई सब्सटेंस है कोई चीज़ है ठीक है मैं इसको वन लिख देती हूँ कोई भी चीज़ है मान लो कुछ भी है है ना उसको हम किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स कर देते हैं ठीक है उन दोनों का आपस में क्या होगा एक रिएक्शन होगा और क्या होगा कोई तीसरी चीज़ यहाँ पे बन जाएगी ठीक है इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन और यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है ये जो एरो लगा होता है ना जिस तरफ को ये एरो होता है उस तरफ को जो चीज़ नई बन रही है स्टूडेंट उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम रिएक्शन का प्रोडक्ट बोलते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ और जो दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर कुछ चीज़ की फॉर्मेशन कर रही हैं उनको हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स राइट right? तो पहले आपको ये समझ आ गया होगा कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं आइए वापस हम डेफिनेशन को समझते हैं द प्रोसेस अब एक केमिकल रिएक्शन क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉन्ड जो है रिएक्टेंट के वो ब्रेक होते हैं और वो रिएक्टेंट के बॉन्ड मतलब क्या मतलब है कि जो दो रिएक्टेंट हैं ठीक है जो दो रिएक्टेंट है मान लो यहाँ पे एच दो है प्लस ये किसी और के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन के दो बॉन्ड टूटेंगे इस वाले रिएक्टेंट के साथ ये मिक्स होगा और क्या होगा किसी नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी ठीक है तो ये तो होगी डेफिनेशन नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की केमिकल इक्वेशन क्या होता है देखो रिएक्शन हो रही है ठीक है वो तो उसको तो हमने बोल दिया कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है लेकिन इक्वेशन क्या हुआ जब हम क्या करते हैं उस केमिकल रिएक्शन को जो हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसकी हेल्प से सिम्बल और फॉर्मूला की हेल्प से हम उसको लिखते हैं आगे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन फिर से हम पढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं तो जैसे हम कोई रिएक्शन लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि जो आपकी एच टू है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो जो मैंने बोला कि मैं मान लो क्लास में मैं बोल रही हूँ कि बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मैं आपको किसी रिएक्शन के बारे में बता रही हूँ जब मैंने ब्लैकबोर्ड पर इस तरीके से लिख दिया उस चीज़ को सिंबल के फॉर्म में ठीक है तो मैंने रिप्रजेंट कर दिया उसको रिएक्शन को तो वो क्या हो गया मेरी केमिकल इक्वेशन हो गई ठीक है दोनों केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में आप बच्चों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा राइट अब देखिए वेन एवर कैमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टे प्लेस जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है फॉर एग्जाम्पल बच्चों केमिकल चेंज आपने क्लास सेवन में छोटी क्लास में ये चैप्टर पढ़ा होगा एक कि केमिकल चेंज क्या होते हैं और फिजिकल चेंज क्या होते हैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है देखो जब क्या होता है कोई सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अगर वैक्स है कोई ठीक है मोमबत्ती है उसमें वैक्स होती है जब मोमबत्ती जलती है तो वैक्स क्या हो जाती है मेल्ट हो जाती है मेल्टिंग ऑफ वैक्स ठीक है एक एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ दूसरा मैं बोल रही हूँ कि एक पेपर है ठीक है कागज़ का टुकड़ा है उसको मैंने क्या कर दिया बर्न कर दिया तो वो क्या हो गया बर्न हो गया मतलब जल गया अब ये दो सिचुएशन मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ स्टूडेंट्स तो क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं वैक्स जब जलेगी पिघलेगी तो वैक्स तो वैक्स ही रहेगी ऐसा थोड़ा ना है कि वैक्स का कुछ और बन जाएगा स्टोन बन जाएगा या कुछ और तो वैक्स क्या है वैक्स ही रहेगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जस्ट ये होगा कि वो मेल्ट हो जाएगी उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा तो बच्चों जब कोई चीज़ उसकी जो स्टेट होती है उसका जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो चेंज नहीं होती है उस तरह के चेंज को हम फिज़िकल चेंज बोलते हैं क्या बोलते हैं फिज़िकल चेंज बोलते हैं और अब यहाँ पे पेपर जल गया है ठीक है पेपर जल गया अब ये जो जला हुआ बर्न पेपर है क्या आप दोबारा से इसको वापस से वैसा ही पेपर बना सकते हो नो no. तो उसमें ऐसे चेंजेस जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो यूजुअली उनको हम क्या कहते हैं केमिकल चेंज कहते हैं ठीक है केमिकल चेंज वो हो जाएंगे और बच्चों जो ये फिजिकल चेंज अब ये जो मेल्ट हुई है ना वैक्स इसको आप दोबारा से जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो ये जो है फिज़िकल चेंज होते हैं यूजुअली ऐसे चेंजेस जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आपको इजी करने के लिए बताऊं तो जैसे कोई वुड uh, है लकड़ी है उसको क्या किया बहुत सारे पीस में कट कर दिया उस वुड पीस को हमने बहुत सारे पीसेस में तो रही तो वो लकड़ी ही ना लकड़ी से ऐसा थोड़ा ना स्टोन बन गया या पेपर बन गया कुछ और बन गया तो ये क्या है लकड़ी का काटना क्या है एक फ़िज़िकल चेंज है ठीक है चलिए यहाँ पे मैंने क्योंकि यहाँ लिख रखा था कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं केमिकल चेंज हो रहा है तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि केमिकल और फिजिकल चेंज क्या होते हैं स्पेशली मैं इतना एलबोरेट इसको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टेंथ क्लास के बच्चों को भी फोकस किया जा रहा है राइट कि उनको भी ये टॉपिक हर एक टर्म उनके लिए क्लियर हो जाए चलिए आगे अब बात करते हैं एग्जाम्पल अब हमने केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन समझ लिया है अब हम एग्जाम्पल समझेंगे उनके एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ये डायरेक्टली जो है मैंने एनसीईआरटी से एग्जाम्पल्स लिए हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन रिएक्शन क्या होता है मैग्नीशियम रिबन होता है ये एक तरह से मैग्नीशियम का मैग्नीशियम जो आपका एलिमेंट है उससे एक uh, रिबन मतलब मेटल की तरह बनाया हुआ रिबन की तरह मेटल होता है जैसे रिबन होता है ना ऐसे वाउंड रिबन जो है वो इस तरीके से आप रोल कर सकते हो इसी तरीके से रोल हुई एक मेटल होता है और वो रिबन की तरह दिखता है ठीक है उसका कुछ ग्रे ग्रे शेड आता है यस ग्रे शेड आता है और उसी को मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं जब क्या होता है ये रिएक्शन करता है किसके साथ ऑक्सीजन के साथ तो किस क्या बनाता है ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है ठीक है इतना आपको क्लियर हो गया ये एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो किसका केमिकल रिएक्शन अब केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दी है ये मैंने रिएक्शन के बारे में लिखा और मैंने इसको प्रेजेंट जब किया तो ये केमिकल इक्वेशन होगी राइट अब देखिए इफ़ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देन जब कोई केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स होती है कोई भी केमिकल रिएक्शन तो क्या क्या होता है तो क्या होता है एक तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है ठीक है क्या हो सकता है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस इस तरीके से हो सकता है दूसरा उसका कलर चेंज हो सकता है ये जो पॉइंट्स है ये सारी रिएक्शंस को जो है वो देख के बनाए गए हैं कि ऐसा होता है कई रिएक्शंस में कलर चेंज होता है कई में स्टेट चेंज हो जाता है कई में गैसेस निकलती हैं तो इस तरीके से बताया गया है कि कुछ रिएक्शन रिएक्शंस में क्या होता है चेंज स्टेट हो जाती है उसकी और कई में कलर जो है चेंज हो जाता है उस उस का कई में गैस निकलती है कुछ में टेम्परेचर चेंज आता है तो ये मेन पॉइंट है आपको माइंड में रखने हैं जब आप केमिकल रिएक्शन मान लो आपको केमिकल रिएक्शन पे नोट आगे लिखने को तो आप डेफिनेशन लिखोगे ये वाली डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे जो एग्ज़ैम्पल दिया है और ये चीज़ें जो दी है इतना भी आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है इसीलिए मैंने इन नोट्स को इस तरीके से प्रिपेयर किया है ताकि आपके नोट्स भी क्वेश्चन भी अच्छे से बन सके तो आप इसको यहाँ से ये बना सकते हो और क्वेश्चन साथ में लिख लिख सकते हो कि राइट अ नोट ऑन केमिकल रिएक्शन इस तरीके से ठीक है अब आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने केमिकल रिएक्शन के लाइक रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन है अब आप बोलोगे मैम रेस्पिरेशन कैसे जो है वो एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है उसमें तो हम सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं क्या चेंज हो रहा है लेकिन आपको पता है जब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया है बायो में भी आपकी क्लासेज मैंने ली हैं तो तब मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन है ये जब सेल्स तक जाती है वहां पे ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करती है और वहां पे क्या होता है हीट जो है वो लिबरेट होती है जो कि एक्सो रिएक्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ठीक है रस्टिंग जंग लगना लोहे में जंग लगना कुकिंग ऑफ फूड अब आपने खाना बना दिया ऐसा थोड़ी है ना पके हुए खाने को आप कच्चा खाने में कन्वर्ट कर सकते हो नहीं है इरिवर्सिबल है तो ये भी केमिकल चेंज है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कर्ड से आप दोबारा मिल्क नहीं बना सकते तो ये भी केमिकल रिएक्शन है बर्निंग ऑफ गैस कोई गैस जल जाती है एलपीजी गैस आप घर में यूज़ करते हैं उस वो जल जाती तो ऐसा थोड़ा ना है कि उस फ्लेम से आप दोबारा से गैस बना सकते हैं नो no, बेकिंग कर रहे हैं ब्रेड बना रहे हैं ये सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं अब स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन अगर आपको ये क्वेश्चन अभी रिसेंट भी प्रिवोर्ड्स में आपके लिए आया था एक्सप्लेन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन तो जब आप केमिकल रिएक्शन का अगर मान लो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि हमने की उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट बना देंगे जिस तरीके से ये सारा फ्लो चार्ट मैंने बनाया है आप इस तरीके से इस फ्लो चार्ट को बना देंगे ये प्रेजेंटेशन भी आप यहाँ से सीखोगे कि आप बोर्ड में क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करेंगे राइट तो चलिए केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता जब है जब रिएक्टेंट मिलते हैं और कुछ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है अब ये जो केमिकल रिएक्शन जितनी भी यूनिवर्स में हो रही हैं ये अलग अलग तरह की होती हैं ठीक है क्या होता है इनमें क्या होते हैं डिफरेंस होते हैं क्या होते हैं स्टूडेंट डिफरेंस होते हैं अब ये डिफरेंस हम देखेंगे क्यों होते हैं और कैसे होते हैं और किस बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से डिफरेंट बॉन्ड बनाते हैं एटम्स या एलिमेंट्स तो उसके बेसिस पे दूसरा हम देखेंगे रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ एवरीडे लाइफ में जो हम ऐसे देखते हैं कॉमन सी रिएक्शंस देखते हैं वो हम देखेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर जब टेम्परेचर की बात होती है उसके बेसिस पे भी हम ये चीज़ देखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है जब कोई चीज़ कंबाइन करेगी नाम से पता लग रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब कोई चीज़ टूट जाएगी डिकम्पोज होना होता है ब्रेक डाउन होना टूटना किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कब जब मान लो एक एलिमेंट है या एक रिएक्टेंट हम बोलते हैं ये दूसरा है ये क्या कर रहे हैं थर्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं अब क्या करेगा इसमें एक एलिमेंट क्या करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ ही को क्या कर गया डिस्प्लेस करके वहाँ जाके बॉन्ड बना लेगा फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स हैं ठीक है मान लो यहाँ पे एक ये फ्रेंड है एक ये फ्रेंड है ठीक है यहाँ पे क्या दो और फ्रेंड्स हैं ये क्या करेगा ये एक फ्रेंड क्या करेगा जाके इस फ्रेंड की दोस्ती इस फ्रेंड से तोड़ देगा इसको अपना दोस्त बना लेगा मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में दोस्त बन जाएंगे और फिर ये दोनों आपस में दोस्त बन जाएंगे और क्या हो गया ये उल्ट पुल्ट हो गया क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट होगी इसी तरीके से क्या होता है एलिमेंट्स में भी होता है ठीक है ये जस्ट एक एग्ज़ैम्पल आपको बता रही हूँ आप ता, ताकि आप क्या चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें अब आप एनिमेशंस भी जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगी रिएक्शंस वाला जैसे रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं आपको एनिमेशंस बताऊँगी किस तरीके से जो है एनिमेशंस के थ्रू आप अच्छे से समझोगे बॉन्ड बन रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा वो ठीक है नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है जब वही चीज़ है डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया लेकिन डबल टू टाइम्स हो रहा हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे मैंने अभी बताया कि एक उसका फ्रेंड वहाँ चल गया उसका वहाँ आ गया तो वो डबल डबल हो रहा है एक का उधर जा रहा है उधर का उधर आ रहा है दो टाइम हो रहा है लेकिन अगर एक ही जगह से मान लो यहाँ का दोस्त तो वहाँ चला गया यहाँ पर चला गया और बॉन्ड बना लिया वो एक सिंगल डिसप्लेसमेंट हो रही है ठीक है अब आगे देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और आ, क्या होता है जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनना या ऑक्सीजन का टूटना वहाँ से ऑक्सीजन का निकलना ये इस पर डिपेंड करता है ये भी ये सारी रिएक्शंस हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीक है बिफोर डिस्कसिंग दीज रिएक्शंस ठीक है Before, uh, इन सारी रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम केमिकल इक्वेशन के कुछ टॉपिक हैं जो कि आपके एन में पहले डिस्कस किए गए हैं वो पढ़ेंगे जैसे कि केमिकल इक्वेशन के बारे में कि लिखते कैसे हैं उसको और कैसे उसको बैलेंस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन हर साल आने वाला क्वेश्चन है और कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर वो देखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं आफ्टर बैलेंसिंग के बाद हम जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन करने वाले हैं ठीक है तो चलिए अब हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को ध्यान से समझेंगे और कैसे हम उनको बैलेंस करते हैं ये देखेंगे ठीक है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या है रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या सिंबल्स का यूज करते हैं और फार्मूला लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये क्या है हाउ वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम मैंने लिखा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या एम जी ओ दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है अब रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट ये चीज़ आप समझेंगे रिएक्शन में दो भाग होते हैं दो पार्ट्स होते हैं ये राइट right साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है अब ये समझना क्यों जरूरी है लेफ्ट साइड जो हम लिखते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया और जो राइट right साइड लिखते हैं वो हम प्रोडक्ट्स होते हैं अब क्या होता है एक क्वेश्चन आपको आता है बैलेंस करिए केमिकल इक्वेशन को क्यों हम बैलेंस करते हैं क्या नीड है मैंने आगे लिख रखा है वैसे यहाँ पे क्या जरूरी है कि एरो से जो एरो लगाया होता है एरो से लेफ्ट साइड जो है जो चीज़ें होती हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है ठीक है और जो एरो लगा होता है पॉइंट्स करता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट ठीक है दैट शोज द डायरेक्शन और ये क्या करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो करता है ठीक है ओके स्केलेटन रिएक्शन में बताती हूँ बैलेंस इक्वेशन के बाद क्या होता है ठीक है एन में गिवन है इच इज इम्पॉर्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है जैसे हम कोई इक्वेशन लिखते हैं उसको बैलेंस करना ज़रूरी है जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही ठीक है आपको समझने के लिए बता रही हूँ कि मान लो रिएक्शन हो रही है किस में कोई प्रोड कोई हम चीज़ लेते हैं कोई भी दो चीज़ें लेते हैं उन दोनों में रिएक्शन करेंगे मान लो हमने दो किलो क्या कर लिया दो किलो हमने कोई ए प्रोडक्ट ए जो रिएक्टेंट है वो ले लिया ठीक है नॉट प्रोडक्ट प्लस उसको रिएक्ट करवाया हमने बी के साथ जो कितना है मान लो यहाँ पे एक के जी में ही ले लेते हूँ ठीक है फॉर एग्जाम्पल समझेंगे पहले फिर क्या हो जाएगा हमारे पास अब आप देखो दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए टू के जी प्लस वन के जी कितना होना चाहिए थ्री के जी होना चाहिए लेकिन मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ए बी दोनों मिक्स तो हो गए हैं लेकिन मैंने लिखा नहीं है मैंने लिखा नहीं कि कितने के जी वो हैं या नहीं हैं अब मैं वो ऐसे दे देंगे रिएक्शन आपको फिर आपको अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये है अच्छा दो मॉलिक्यूल यहाँ पे ये हैं ठीक है ए कितना है दो है तो यहाँ पे टू होना चाहिए ए के लिए अब बी एक ही है ठीक है तो बी का क्या एक ही होना चाहिए बी मॉलिक्यूल एक ही होना चाहिए तो कैसे बैलेंस करेंगे हम उस इक्वेशन को तो ये चीज़ तो मतलब अगर इसको ये बैलेंसिंग होनी है तो मतलब यहाँ पर ए जो है वो टू आ जाएंगे और बी इस तरीके से आ जाएंगे मतलब दोनों साइड जो है वो बराबर तालमेल होना चाहिए आप रिएक्शन में इसको और अच्छे से समझेंगे ऑन द बोथ साइड ऑफ रिएक्शन लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए जैसे एमजे यहाँ पे मैंने लिख रखा है टू है तो यहाँ पे आप देखोगे टू ही लगा है एमजी के साथ यहाँ पे क्या है ओ टू ओ के साथ टू मतलब दो ऑक्सीजन है लेकिन आप यहाँ देखोगे एक ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे एक है लेकिन हमने आगे जो है वो टू लगाया है इसलिए ऑक्सीजन भी टू है ठीक है जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना स्टूडेंट्स जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं उसके साथ हमने यहाँ पे टू लगाया है विच मीन्स ये सारे के लिए टू यूज़ हो रहा है इस एम के लिए भी और इस ऑक्सीजन के लिए भी अगर मान लो कोई मान लो कोई भी ऐसा एक्स लिख देती हूँ कोई भी एलिमेंट है इसका तो यहाँ टू लगा और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन होता तो हमें क्या करना था तो इस ऑक्सीजन को इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे इसका एक ही मॉलिक्यूल है अगर यहाँ टू लगा है मान लो यहाँ पे एक्स ओ मैंने यहाँ टू लगा दिया तब यहाँ पर ऑक्सीजन टू होगा ठीक है क्योंकि इस सारे के लिए यूज हो रहा है ठीक है मैथ्स में भी आप ये थोड़ा सा देखते हो कि ब्रैकेट सबके लिए लगा है तो वो सारे इक्वेशन के लिए जो है वो अप्लाई होता है वैसे ही यहाँ पे है ठीक है तो यहाँ पे समझेंगे कि अगर टू यहाँ लगा है तो ये सिर्फ अप्लाई इस आ, एलिमेंट के लिए होगा और अगर सामने लगा है तो दोनों के लिए अप्लाई होगा इस चीज का ध्यान रखेंगे तभी केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस अच्छे से कर पाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है वाई केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड क्यों करना है बैलेंस क्या जरूरत है ठीक है अब देखिए

मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें छप जाएँ ठीक है देखो क्या किया हमने दो आ, गिलास लिए हमने हमने क्या किया दो गिलास लिए मिल्क के मिल्क लिया हमने फिर हमने उसमें ऐड कर दिया क्या चाय पत्ती या मैं चाय पत्ती बना देती हूँ छोटी छोटी हमने उसमें चाय पत्ती ऐड की प्लस हमने उसमें शुगर ऐड करी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ हमने क्या कर दिया भाई चाय बना ली गर्मा गर्म चाय बन चुकी है तो सारे स्टूडेंट यहाँ से चाय पी लेंगे कप ज़्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक है चलो प्लेट भी लगा देती हूँ साथ में तो यहाँ पे चाय बन चुकी है अब क्या है <coughs> देखो केमिकल मास जो है हम समझ रहे हैं यहाँ पे क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जितना दूध जो है यहाँ था ठीक है मिल्क जितना लिया हमने जितनी चाय पत्ती ली जितना शुगर लिया ठीक है वो आपस में मिक्स होते हैं ठीक है आपस में क्या हुए मिक्स हुए तो उसकी क्या बन गई चाय बन गई अब जहाँ जितना बैलेंस यहाँ होता है मैंने यहाँ पे वाटर नहीं इसमें बोला मिल्क में वॉटर होता है वो थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाता है लेकिन हम उसको ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे हम उसको अगर मिक्स ही करेंगे ठीक है और उसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा उसको मतलब अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो मिल्क में से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और मास्क पर फर्क पड़ेगा लेकिन समझेंगे आपकी जितना चीजें यहाँ प्रेजेंट है जितनी शुगर यहाँ थी जो ऐड करी वो इस चाय में उतनी ही होगी रिएक्शन के बाद एरो लगाया है तो एरो क्या शो करता आपको डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन तो वही मैं समझाना चाह रही हूँ कि जितना मास जितनी चीज़ें यहाँ हैं उतनी ही यहाँ होंगी इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब जो इन चीज़ों का मास है मास मतलब आप वेट समझ लो जितना वेट है ठीक है वेट ऑफ़ द एलिमेंट ना इधर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन तो थोड़ा सा इसको समझ लेंगे ठीक है अब आ जाइए वापस तो हम ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ लिया इसके बाद अब देखो इसलिए अगर इस चीज़ को मास को बैलेंस रखने के लिए धर उधर और जो नंबर है एलिमेंट का उसको बैलेंस रखने के लिए ही हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है ये वाली ठीक है अब हम देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं ठीक है पहले आप सिर्फ इसको लिखो अपनी नोटबुक पे इसको मत देखो इसको मत देखो अभी आप ठीक है इसको आप बिल्कुल भी मत देखो और ऊपर वाली रिएक्शन को देखो यहाँ पे देखो थ्री क्या है ये एफ वी क्या होता है आयरन का सिंबल होता है ठीक है अब इसको देखो इसके बाद यहाँ पे एच टू अब इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना होता है कि आप ऐसे लिख लेंगे बैलेंसिंग के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है एफ ई कितने हैं थ्री हैं ऐसे मैं इस तरीके से कर लेती हूँ जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो इस तरीके से चार्ट बनाओगे एक इस तरीके से उसमें आप लेफ़्ट हैंड साइड लिखोगे दूसरी साइड क्या लिखोगे राइट हैंड साइड फिर आपने देखा कि एफ ई एफ ई है इस और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पहले इनको ऐसे लिख लेंगे जो जो चीज़ें वहाँ पे हैं रिएक्शन में उसके बाद देखेंगे एफ़ी कितने हैं यहाँ पर थ्री हैं हाइड्रोजन कितने हैं देखो मैं यहाँ लिखती हूँ टू हैं और ऑक्सीजन कितने हैं वन है ऑक्सीजन वन है अब आप दूसरी साइड देखोगे एफ ई कितने हैं थ्री ही हैं और ऑक्सीजन कितने हैं देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए फोर हो गए ना ऑक्सीजन फोर हो गया ऑक्सीजन और इसके बाद यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं अच्छा पहले हम ऑक्सीजन से पहले हाँ ऑक्सीजन यहाँ लिख रखे हैं और यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन यहाँ पे टू है तो देखो एफ भी बैलेंस्ड है और ये भी बैलेंस्ड है लेकिन गड़बड़ कहाँ है ऑक्सीजन के पास तो अब कैसे बैलेंस करेंगे इसको ठीक है वो देखेंगे इस साइड क्या है ऑक्सीजन फोर है ठीक है इस साइड क्या है फोर ये देखिए यहाँ पे देखिए फोर ऑक्सीजन है ठीक है लेकिन इस तरफ क्या है ऑक्सीजन कितना था वन ही था ऊपर देखिए यहां पे अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहां पे क्या कर दिया फोर लगा दिया फोर लगा दिया तो ऑक्सीजन तो फोर हो गए लेकिन यहां पे हाइड्रोजन का नंबर भी बढ़ गया हाइड्रोजन का नंबर भी बढ़ गया कितना हो गया दो तो थे हाइड्रोजन एच टू तो थे प्लस फोर इसमें और ऐड हो गया ठीक है ध्यान से समझेंगे नहीं समझ आएगा दोबारा तो रिपीट करेंगे वीडियो ठीक है तो ऑक्सीजन टू प्लस यहाँ पे सिक्स हो गए अब यहाँ पे भी बैलेंस होना चाहिए तो यहाँ पे भी हमें फ़ोर लगाना पड़ा ताकि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसका नंबर बैलेंस हो सके ठीक है दोबारा से समझ लेंगे इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेंगे वीडियो क्योंकि बैलेंसिंग वाला कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है छोटे बच्चे इस तरीके से चार्ट बनाएंगे दोनों साइड इक्वेशन देखेंगे कितना मॉलिक्यूल है लिख लेंगे पहले कितने कितने हैं फिर देखेंगे कौन सा बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए कितना वहाँ पर लिखना है वन लिखना है टू लिखना है फोर मॉलिक्यूल होने चाहिए वो सोच के लिखेंगे फिर बैलेंस करेंगे उसको अच्छे से इस तरीके से बोर्ड में हमेशा ये क्वेश्चन आपको यहाँ से रहता है तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया कि क्यों करते हैं बैलेंस क्योंकि एक तो उसको क्या करना है फॉलो करना है रिएक्शन ये आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ठीक है ओके okay, तो यहाँ पे देखो अब ये जो दे रखी है राइट द बैलेंस इक्वेशन इस तरीके से भी कई बार आपको बोल देंगे इस तरीके से दे देंगे उसमें उस आपको खुद लिखना होता है जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड तो हाइड्रोजन क्लोराइड तो हाइड्रोजन आपने इस तरीके से लिखा क्लोराइड लिखा और टू एच सी एल जो है यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बन जाता है ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तो ये भी मैंने एन सी आर टी से एग्जाम्पल लिया है अब इसके बाद ये एक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ऐड करी है अब देखो स्कैलेट केमिकल इक्वेशन ये क्या होती है द केमिकल इक्वेशन ठीक है द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स बट इट मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड ये क्या है एक केमिकल इक्वेशन है चाहे वो बैलेंस भी हो सकती है या बैलेंस नहीं भी हो सकती है ठीक है अगर केमिकल बैलेंस्ड मतलब ये दो डेफिनेशन यहाँ से पूछ सकते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस है ठीक है नॉर्मली केमिकल इक्वेशन बोली तो हम बोलेंगे कि सिंपली वो क्या है रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स की और अगर स्केलेटल बोला तो उसमें ऐसी रिएक्शन वो बैलेंस्ड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ओके स्टूडेंट्स तो इसके बाद इस वीडियो के बाद अब जो आपका पोर्शन रहता है वो है आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब इस चैप्टर में अगला जितना भी पोर्शन है वो टाइप ऑफ रिएक्शन पे ही है सारे टाइप की रिएक्शन ही डिस्कस की गई हैं और एंड में फिर आपको जितने भी एक्सोथर्मिक uh, मतलब भाई पांच तरह की मेन रिएक्शन है फिर जो मैंने आपको सारी करवाई जैसे डेली लाइफ में जो हम रिएक्शंस देखते हैं फिर जो है आपकी जो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वो है तो आज अभी मैं आपको एनिमेशन के थ्रू थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरीके से रिएक्शनस हो रही हैं और नेक्स्ट हम एनिमेशंस के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में उन रिएक्शन से डिटेल क्वेश्चन और एक्सप्लानशन विद नोट्स करेंगे ठीक है तो आज अभी आप इसके बाद जस्ट एनिमेशनस के थ्रू देख लीजिए कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या हो रहा है बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है और नेक्स्ट पार्ट में दूसरे पार्ट में हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ओके okay? अगर आप टेंथ के स्टूडेंट डिमांड करेंगे कि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी इन फ्यूचर आपको मिल जाएगी ठीक है ओके okay, तो चलिए एनिमेशंस देखते हैं अब एनिमेशन में हम देखेंगे फर्स्ट एनिमेशन में कि जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं मतलब दो रिएक्टेंट को मिक्स कर रहे हैं तो आप देखेंगे कलर चेंज हो रहा है जो कि हमने किया कि जब हमने किया कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है कलर चेंज एक मैंने आपको यहाँ एनिमेशन के थ्रू आप देख रहे हैं वीडियो के थ्रू आप देख रहे हैं दूसरा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कई बार क्या होता है गैस की फॉर्मेशन भी होती है ठीक है रिवोल्यूशन ऑफ गैस आप देख रहे हैं गैस के बुलबुलें निकल रहे हैं जब केमिकल रिएक्शन और यहाँ पर जो पॉप साउंड जो है तब प्रोड्यूस होती है जब हाइड्रोजन गैस निकलती है ठीक है ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप ध्यान रख जब हाइड्रोजन गैस किसी रिएक्शन में निकलती है और उसको हम फ्लेम लगाते हैं उसको आग लगाते हैं तो पॉप साउंड निकलती है नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स हो रहे हैं और यहाँ पे अब क्या बनेगा दो मॉलिक्यूल एच टू ओ बनेंगे ठीक है इस तरीके से आप देख रहे हैं रिएक्शन में ग्रीन कलर के जो मॉलिक्यूल हैं वो शो कर रहे हैं आपके हाइड्रोजन और ब्लू ऑक्सीजन शो कर रहे हैं और मॉलिक्यूल क्या बन गया वाटर ये कंबाइन हो गया इसके बाद एक्जो रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हैं हल्का हल्का आपको भाप निकलता हुआ दिख रहा है विच मीन यहाँ से क्या हो रहा है बाहर हीट निकल रही है इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है ये मेन फीचर है इसका तो यहाँ आप इस एनिमेटेड वीडियो से देखिए कि एक्जो रिएक्शन में किस तरीके से जो है हीट बाहर निकल रही है आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और क्लिप ऐड करी है इस क्लिप में देखो लाइट एनर्जी आ रही है लीफ पे पड़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है आपको वाटर दिख रहा है लीफ में रिएक्शन हो रही है क्या बन रहा है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकल रही है स्टूडेंट्स अब आप सोचिए थोड़ा सा ये मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी किस रिएक्शन में लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रॉ मटेरियल होते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनता है ऑक्सीजन लिबरेट होती है कौन सी रिएक्शन है ये क्या नाम है इसका सिर्फ प्लांट्स में होती है और प्लांट इस रिएक्शन की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं सोचिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगी ओके okay? अब देखिए नेक्स्ट है आपका जब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे अभी जाके कम्बाइन कर लेंगे ठीक है कम्बाइन कर लेंगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल हैं ये हाइड्रोजन शो कर रहे हैं और जो दो आपको ग्रे कलर के दिख रहे हैं ये क्लोराइड को शो कर रहे हैं मतलब क्लोरीन को शो कर रहे हैं जो कम्बाइन होकर क्या बना रहे हैं दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं एच के ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को यहाँ पे इसको समझ लेंगे ये देखिए एक मॉलिक्यूल है सी ए सी ओ थ्री ठीक है सी ए सी ओ थ्री एक मॉलिक्यूल है अब क्या होगा यहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी सी ए ओ प्लस सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड और क्विक लाइम में इसकी और ये सी ए सी ओ थ्री को हम क्या बोलते हैं लाइम स्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट आगे मैं डिटेल में आपको इसके नोट्स दूंगी तो आपको इन फॉर्मूले के नेम भी मैं लर्न कर पाऊंगी आगे फिर से क्या होगा देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से समझेंगे कैल्शियम कार्बोनेट रहा है आपका क्विक लाइम एंड सी ओ टू में आगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहां पे क्या हो रहा है एक मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जा रहा है और दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है सिंपल सी रिएक्शन है ठीक है ये भी हम आगे डिटेल में मैं इसके नोट सभी के आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से सिर्फ आप एनिमेशन से समझिए ठीक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है एक मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होता है और दूसरे के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे अब डबल डिस्प्लेसमेंट में वहां क्या होगा देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे टूटेंगे और एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके दोस्ती कर लेंगे बॉन्ड बना लेंगे ठीक है देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है धीरे 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 ये मॉलिक्यूल क्या होंगे पहले ये देखिए बॉन्ड किस, किस के साथ था और देखिए बाद में टूटेंगे दोनों चले गए एक दूसरे के पास चले गए और वहां पे देखिए क्या हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट एक जाके दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया दूसरा जाके दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया इसी को हम क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय हैव अ नाइस टाइम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप हंड्रेड एन क्वेश्चन की सीरीज जो है जिसमें क्लास वाइज ये क्लास प्लस टू के लिए सीरीज सेपरेट है जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद एक सीरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट एचपी टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू एचपी टेट क्वेश्चन जो है वो डाले है, वो class plus one, class plus two के अकॉर्डिंग और previous year question के according है। एक recent हमने शुरू की है that is, target HP -tet chemistry section और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें मॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है मॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे ये जो प्लेलिस्ट है इसमें एच वी टेक्स से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उस वो हम जो है अपलोड करते हैं इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे क्लास प्लस टॉप की, की सीरीज आपको मिल जाएगी जिसमें जो है हम काफी ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास प्लस वन से भी किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्ले आपको मिल जाएगा जिसमें हमने कोआरडेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं इसके बाद एच पी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है क्लास नाइन की बायोलॉजी है ठीक है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास प्लस टू की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी टेंथ क्लास के सीबीएसई एनसीईआरटी की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास प्लस वन का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले फॉर यू यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज दे मे बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय